हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू एसवी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास एक एलजी 43 इंचस टीवी है। लास्ट 4 से 5 साल से सभी एक ही जैसे एलजी में टीवी आ रहे हैं। 43 इंचस में तो सभी एक ही टाइप का हार्डवेयर तो यूज करके आ रहे हैं। तो इसमें एक टीवी हमारे पास आज रिपेयर के लिए आया, उस पर क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए मैं पहले इधर टीवी को ऑन कर रहा हूँ। टीवी ऑन करते ही हमको इंडिकेटर रेड लाइट ब्लिंक करते हुए देख रहे, लेकिन ये कम्प्लीट कंटिन्यूसली ब्लिंक होता रहा। उसके बारे में तो ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है। एक्चुअली इस पर क्या प्रॉब्लम है दिखाने के लिए थोड़ा 30 सेकेंड्स तक वेट करना पड़ेगा। 30 सेकेंड्स के बाद एक बार बैकलाइट ऑन होता है और ऑफ हो जाएगा, और फिर से ऑफ होता रहेगा। इसी प्रॉब्लम के लिए ये टीवी आज हमारे पास आया है। ये टीवी में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए मैं इधर टीवी का FFC में निकाल के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे कोई भी पिक्चर जनरेट नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है सोच के, नहीं तो डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है सोच के मैं इसको FFC को रिमूव करके एक बार टीवी को ऑन किया। टीवी ऑन करते ही आप टीवी के अंदर देख सकते हैं बैकलाइट हमारा ऑन हो गया। बैकलाइट ऑन होके फिर से वो बैकलाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा, फिर से वो बैकलाइट ऑन होता है, फिर से वो अपने आप ऑफ भी होता है। ये तो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन वो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो एक्चुअली इस पर बैकलाइट का ही इशू है। बैकलाइट में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको मैं पहले चेक करने के लिए बैकलाइट कनेक्टर को मैंने निकाल के अलग से बैकलाइट को टेस्ट करने के लिए मेरा बैकलाइट टेस्टर का मदद से इसको टेस्ट करने के लिए स्टार्ट किया। बैकलाइट टेस्टर में मैं इसको चेक करने के लिए स्टार्ट किया तो एक कम्प्लीटली बैकलाइट तो ऑन हो रहा था, कोई भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं थोड़ा देर वेट करके और इस पर बैकलाइट में क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए स्पीकर को हटाया, तो स्पीकर का नीचे होल में हमको बैकलाइट ब्लू कलर का लग रहा था, लेकिन इस पे तो ब्लू कलर का बैकलाइट नहीं आता, प्योर व्हाइट आएगा। व्हाइट तो इधर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया मतलब इसका बैकलाइट तो वीक हो गया है। तो इसलिए बैकलाइट क्या हुआ वो सीन देखने के लिए मैं इसका डिस्प्ले के ऊपर जो भी फ्रेम रहेगा उसको ओपन करने के लिए स्क्रू सभी ओपन कर रहा हूँ। स्क्रू सभी ओपन करने के बाद हमको इजिली डिस्प्ले के ऊपर एक फ्रेम रहेगा वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा डिस्प्ले पार्ट का मेन पार्ट नंबर हमको दिखेगा। ये पार्ट नंबर आप चेक कर सकते हैं, एक LG मैन्युफैक्चर डिस्प्ले है, LG टीवी में ही यूज किया। यही डिस्प्ले को और कोई ब्रांड्स में भी मैंने देखा है, वो हमारा पिछले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर शीट सभी ओपन करने के बाद हमको बैकलाइट यूनिट तो ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। इस पे सिर्फ 3 स्ट्रिप का बैकलाइट यूनिट हमको देखने के लिए मिला है, तो इस पे ये बैकलाइट्स को मैं अभी रिप्लेस करके रेडी करना चाहता हूँ। इसके बारे में डिटेल्स लेना चाहिए इसलिए मैं एक बार टीवी को ऑन करके आपको दिखा रहा है। इस पे सभी LEDs ब्लू कलर का दिख रहा है, कोई कोई एक एक LED व्हाइट कलर का दिख रहा है। इस पे जो भी व्हाइट LED दिख रहा है उतना ही LED इस पे अच्छा है, बाकी पूरा वीक LED है। तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया मतलब वो LED का लाइफ खत्म हो चुका है बोल के, तो इसलिए इस पे सभी LEDs को चेंज करना पड़ रहा है। तो सभी 3 स्ट्रिप में इस पे चेंज करके ये टीवी को रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए पहले हम इसका रिफ्लेक्टर शीट रिमूव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टर शीट सभी ओपन करके बैकलाइट पूरा रिप्लेस कर दिया हूँ। रिप्लेस करने के बाद हमको टीवी ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। टीवी का बैक साइड आप देख सकते हैं स्पीकर्स का वॉल में, पहले हमको ब्लू कलर दिख रहा था अभी कंप्लीट व्हाइट दिख रहे हैं। ऐसे है तो ही हमारा टीवी 100% ओके रहेगा। और पुराना 3 स्ट्रिप रहेगा ना वो सभी मैंने इधर निकाल के तीनों स्ट्रिप मैंने चेंज कर चुका है। अभी इसका स्पीकर सभी मैं इस पे फिटिंग कर रहा हूँ। स्पीकर फिक्स करने के बाद डायरेक्ट मैंने बैक कवर लगा दिया। बैक कवर में इस पे 6-5 स्क्रू है बस, और कोई ज्यादा स्क्रू इस पे अवेलेबल नहीं। स्क्रू सभी डालने के बाद एक बार इस पे आपको पिक्चर भी लगा के दिखाएगा। अभी आप ये टीवी कंप्लीट रेडी हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं पिक्चर सभी कंप्लीट ओके आ रहे हैं। अगर आपने जो नॉर्मली यूज़ किया है तो इस पर एक एक करके LED ब्लू होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलता है। एक ही बार ब्लू LED से व्हाइट LED चेंज करने के बाद आपको कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगा। जब आपने TV परचेस किया था तब का याद बाद में मिल सकता है। ये एक सिंपल TV रिपेयर का वीडियो था, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पर, इधर ऑफिस एड्रेस बोल के लिखा है ना, तो यही लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरा ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टीवी रिपेयर के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।